तो गाइस एक बार फिर से आपका मौज मस्ती चैनल में स्वागत है। और आज हम आए हैं भैरू जी का था बढ़िया सा स्थान है, यहाँ पे मांडा गांव है, वहाँ पे बहुत अच्छा प्रसिद्ध है, इनका पर्चा बहुत सारा है। तो आज हम यहाँ का व्यू देखने आए हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। अभी एंटर होंगे मंदिर के अंदर, एक छोटा जो एक काले भैरू जी और एक गोरा भैरू जी है, तो दोनों भैरू जी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप अभी आपको मन बताते हैं, दर्शन करवाते हैं। ये देखिए गाइस, और ये हमारे भैरू जी का स्थान है और ये गोरिया भैरू जी का स्थान है। गाइस ये अच्छा खासा मंदिर की डिज़ाइन भी अच्छी बना रखी है, तो गाइस आप यहाँ विजिट करने आ सकते हैं। अच्छा सा मंदिर है, आप मतलब अच्छा पर्चा है यहाँ पे, आप लोग जितना मतलब यहाँ पे दुआ मांगोगे उतनी अच्छी रहेगी आपके लिए। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि भगवान भी है वापस, और इस मतलब यहाँ आते हैं तो मंदिर के परिक्रमा भी लगानी पड़ती है, जो कि मंदिर के गोल गोल घूमना होता है अपन को, उसको परिक्रमा बोलते हैं। तो अभी हम परिक्रमा लगा रहे हैं, तो हम देखते हैं आगे, और आपको दूसरा जो नया मंदिर बन रहा है वो भी बताएंगे आपको, झूले वगैरह बहुत सारे इत्यादि यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और यहाँ एक ये वाला है जहाँ पे हमको बाल चढ़ाने पड़ते हैं बच्चे के, छोटे बच्चे के जो आते हैं जो। और ये देखिए गाइस, भगवान के दर्शन कर लीजिए गाइस, आप भी संत थे उनका यह मंदिर है गाइस। अभी इसके अंदर तो जा नहीं सकते हम, और यहाँ पे सब रसोई वगैरह है जो खाना बना सकते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए यहाँ खाना बनता है। देखिए जैसे आपको हम विजिट करवा देते हैं कैसा क्या खाना बनता है यहाँ पे गाइस। ये देखिए जैसे चूरमा बनता है इन प्रसाद में, और ये गाइस होता है, और ये सब खाना खाने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। ये कुकर है जिसके अंदर रोटे, या आप जानते होंगे जिनको बाटी बोलते हैं, दाल बाटी के साथ खाते हैं। और आइए गाइस, आपको यहाँ चाय बन रही है छोटी सी तपेली में, और वो बर्तन धो सकते हैं, बहुत है जिमने की तैयारी वगैरह सब अच्छी खासी है यहाँ पे। तो आपको और बताते हम आगे जाके।